हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी या अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। शरीर में पाए जाने वाले समस्त एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पिट्यूटरी ग्लैंड एक बहुत ही प्रमुख ग्लैंड है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड में से बहुत सारे हॉर्मोन्स का स्राव होता है, जो कि पूरे शरीर पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्गन पे अपना काम जरूर दिखाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि को हाइपोफाइसिस नाम से भी जाना जाता है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को हम और क्या बोलते हैं, इसका एक सिनोनिम है हाइपोफाइसिस। यह स्कल के बेस की स्फिनॉइड अस्थि या स्फिनॉइड बोन के सीला टर्सिका या हाइपोफाइसियल फोसा में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित एक छोटी सी मटर के दाने के बराबर भूरे रंग की ग्रंथि होती है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये कहाँ पे पाया जाता है? हमारे स्कल बोन में जो स्फिनॉइड बोन होती है, उस स्फिनॉइड बोन में एक गड्ढे जैसी आकृति होती है, जिसको हाइपोफाइसियल फोसा कहा जाता है। हाइपोफाइसियल फोसा, उस हाइपोफाइसियल फोसा को सीला टर्सिका भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये चीज आप याद रखिएगा कि ब्रेन में पाया जाने वाला स्फिनॉइड बोन, स्फिनॉइड बोन के अंदर एक फोसा होता है या एक गड्ढे जैसी आकृति होती है, जिसको हाइपोफाइसियल फोसा या सीला टर्सिका भी कहा जाता है। इस गड्ढे के अंदर ये पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। कुछ इस तरह से ये पिट्यूटरी ग्लैंड इस गड्ढे के अंदर, इस फोसा के अंदर मौजूद होता है। यहाँ पे आप लोग ये डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये स्फिनॉइड बोन है और स्फिनॉइड बोन में ही पाया जाने वाला ये एक गड्ढा जैसा आकृति आप देख सकते हैं। इस गड्ढे जैसी आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, सीला टर्सिका या हाइपोफाइसियल फोसा भी इसे कहा जाता है। इसी फोसा के अंदर ये पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। ये ग्लैंड काफी छोटा होता है, मटर के दाने के बराबर भी आप इसको मान सकते हैं, बहुत ही छोटा होता है, भूरे रंग का ये ग्लैंड होता है। यह मस्तिष्क के तल भाग पर ऑप्टिक चायाज्मा से न्यूरल स्टॉक द्वारा जुड़ी रहती है। तो यहाँ ब्रेन के बेस में या नीचे के पोर्शन से ये जुड़ा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसको जोड़ने वाली जो आकृति होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको न्यूरल स्टॉक कहा जाता है। न्यूरल स्टॉक से ये किस चीज से जुड़ा होता है, ये ऑप्टिक चायज्मा से जुड़ा होता है। ऊपर यहाँ पे देखिए, ये ऑप्टिक चायज्मा है, न्यूरल स्टॉक से ये ऑप्टिक चायज्मा से जुड़ा होता है। यह एक महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि है। इससे उत्पन्न हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की सक्रियता को उद्दीप्त करता है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड है, क्योंकि इसमें से जो हार्मोन सिक्रेशन होते हैं वो शरीर के दूसरे ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं हार्मोन सिक्रेशन के लिए। यह ग्रंथि दो खंडों में विभाजित रहती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की थोड़ी एनाटॉमी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो ग्लैंड है ये दो खंडों में विभाजित रहती है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है अग्रखंड या एंटीरियर लोब, या इसको एडेनो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है, और दूसरा होता है पश्चखंड या पोस्टीरियर लोब, या इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। न्यूरो हाइपोफाइसिस, एंटीरियर लोब ब्रेन के एंटीरियर साइड की ओर होता है या फिर सामने की ओर होता है, और पोस्टीरियर लोब ऑब्वियसली ब्रेन के पोस्टीरियर साइड की ओर होता है या फिर पीछे की ओर होता है। यहाँ पे डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाई गई है, ये इसका एंटीरियर लोब है और ये पीछे की ओर इसका पोस्टीरियर लोब है। इसको एडेनो हाइपोफाइसिस कहा जाता है और पोस्टीरियर लोब को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। इन दोनों खंडों के बीच में एक सूक्ष्म स्थान रहता है, जिसे मध्यांश या पार्स इंटरमीडिया कहते हैं। मनुष्य में इसका कार्य अज्ञात है। तो ये जो एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब है, इसके बीच में एक बहुत ही छोटी सी जगह होती है, जिसको पार्स इंटरमीडिया कहा जाता है। अग्रखंड अपने वास्तविक अर्थ में अंतःस्रावी ग्रंथि है, जबकि पश्चखंड मस्तिष्क से संबंधित रहता है और तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू का बना होता है। यह प्रत्यक्ष रूप से हाइपोथैलेमस से जुड़ा रहता है।
तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है या एडेनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर लोब जिसे हम बोलते हैं, ये एक्चुअली एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, कैसा होता है, इससे जो स्राव निकलते हैं वो कैसे ब्लड वेसल्स में जाते हैं, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के जो सेल्स होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड बनाते हैं या उनमें सीक्रेटरी एक्शन होता है, उनमें से हार्मोन सिक्रेशन होता रहता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो नर्वस टिश्यू से बना होता है या न्यूरॉन से बना होता है। नर्वस टिश्यू क्या होती है? न्यूरॉन्स होती हैं। तो ये न्यूरॉन से बना होता है और हाइपोथैलेमस से ये डायरेक्टली जुड़ा होता है। ये ऊपर का पोर्शन जो आप लोग देख रहे हैं ये हाइपोथैलेमस है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। हाइपोथैलेमस से नर्व टिश्यूज, न्यूरॉन्स, ये सब पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर फैले हुए होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? पिट्यूटरी ग्लैंड के जो दो लोब्स बताए गए हैं उनमें से एक लोब एंडोक्राइन ग्लैंड या ग्लैंडुलर टिश्यू से बना हुआ है और दूसरा लोब नर्वस टिश्यू से बना हुआ है। इन्हें सामान्यतया एंटीरियर एवं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहा जाता है। तो हम लोग एंटीरियर लोब बोल सकते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोल सकते हैं, एडेनो हाइपोफाइसिस भी बोल सकते हैं। वैसे ही पोस्टीरियर लोब को पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोल सकते हैं या फिर न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोल सकते हैं। नॉर्मली आगे हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ते वक्त हम लोग ऐसे ही बोलेंगे कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हॉर्मोन सिक्रेशन होते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हॉर्मोन सिक्रेशन होते हैं, इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो एक चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक ही ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं, दो अलग अलग ग्लैंड्स नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले आइए एंटीरियर पिट्यूटरी या एडेनो हाइपोफाइसिस के बारे में थोड़ा सा जान लें। इनमें से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है और उन हार्मोन्स के घटने या बढ़ने की वजह से शरीर में कौन कौन सी बीमारियां देखी जाती हैं। पिट्यूटरी के अग्रखंड को अंतःस्रावी संस्थान की मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड के रूप में माना जाता है क्योंकि अन्य ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करने में इसका महत्वपूर्ण प्रभाव है। तो जैसा कि थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हॉर्मोन्स निकलते हैं, जो हॉर्मोन सिक्रेशन होते हैं, वो शरीर के जो दूसरे ग्लैंड्स मौजूद हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है, गोनाड्स हैं, ओवरी हो गई या टेस्टिस हो गया, उन ग्लैंड्स पे ये पिट्यूटरी हॉर्मोन अपना एक्शन दिखाते हैं। अग्रखंड निम्न सात हॉर्मोन्स का निर्माण करता है जिसमें सबसे पहले आता है ग्रोथ हॉर्मोन या इसको सोमैटोट्रॉपिक हॉर्मोन भी कहा जाता है। नंबर टू प्रोलैक्टिन और लैक्टोजेनिक हार्मोन। नंबर थ्री थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म में इसको TSH कहा जाता है। नंबर फोर एडेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन या फिर इसको ACTH भी कहा जाता है। नंबर फाइव ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH इसका शॉर्ट फॉर्म है। नंबर सिक्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? FSH। नंबर सेवन है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन या इसका शॉर्ट फॉर्म MSH कहा जाता है। तो ये सात प्रकार के हार्मोन्स बताए गए हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से सिक्रेशन होते हैं और फिर ये हार्मोन्स जाके शरीर में मौजूद दूसरे ग्लैंड्स पर अपना असर दिखाते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेशन होने वाले सभी हार्मोन्स में सबसे पहले आता है ग्रोथ हार्मोन या इसको सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन भी कहा जाता है। किसी विशिष्ट लक्ष्य अंग या टारगेट ऑर्गन को प्रभावित करने के बजाय यह हार्मोन शरीर के समस्त भागों जो वृद्धि से संबंध रखते हैं को प्रभावित करता है। तो ये हार्मोन ओवरऑल शरीर की वृद्धि के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो बहुत ही छोटा होता है, फिर धीरे धीरे उसके शरीर की ग्रोथ होती जाती है, वो बढ़ता जाता है ना, हड्डियां लंबी होने लगती हैं, मसल टिश्यू बढ़ने लगता है, स्किन टिश्यू बढ़ने लगता है, उसके अंदर के सारे ऑर्गन्स भी बढ़ने लगते हैं। तो ये जो सामान्य वृद्धि होती है शरीर की, ये कौन कराता है? ये ग्रोथ हार्मोन कराता है। यह वृद्धि की दर को बढ़ाता है और जब एक बार परिपक्वता की स्थिति निर्मित हो जाती है तो उसे बनाए रखता है। यानी एक बच्चा बड़ा होते 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 मैक्सिमम जब हाइट गेन कर लेता है या सबसे
एडल्ट स्टेज में पहुंच जाता है तो उस वक्त उसके बॉडी की ग्रोथ फिर रुक जाती है, वो और लंबी नहीं होती है ना, तो उसको परिपक्व अवस्था कही जाती है, जब शरीर की ग्रोथ मैक्सिमम हो जाती है। और उसी कंडीशन में शरीर को सालों साल तक ग्रोथ हार्मोन ही बनाए रखता है। इससे शरीर की वृद्धि और विशेषकर लंबी अस्थियों की वृद्धि का नियमन होता है। तो ये ग्रोथ हार्मोन क्या नियंत्रित करता है? हमारी अस्थियां जो होती हैं, बच्चे में छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं हाथों और पैरों में, फिर धीरे धीरे वो लंबी होती जाती हैं। तो हमारे जितने भी लॉन्ग बोन्स होते हैं, जैसे हमारे पैरों में मौजूद है टीबिया फिबुला है या फिर फीमर बोन है, हमारे हाथों में भी मौजूद है लॉन्ग बोन्स जैसे रेडियस अल्ना है और ह्यूमरस है, तो ये लॉन्ग बोन्स धीरे धीरे लंबी होती जाती हैं और हमारे हाथ पैर भी उसी हिसाब से लंबे होते जाते हैं। इन बोन्स की जो लंबाई है वो कितनी लंबी होगी या मैक्सिमम कितनी लंबाई उसकी मेंटेन होके रहेगी, इसको कौन नियंत्रित करता है? इसको ग्रोथ हार्मोन ही नियंत्रित करता है। शैशव अवस्था में कंकालीय वृद्धि और परिवर्धन को उद्दीप्त करता है ग्रोथ हार्मोन। और क्या करता है? शिशु में पाए जाने वाले स्केलेटन या सभी हड्डियां जो उसकी बॉडी का फ्रेमवर्क निर्माण करती हैं, एक फ्रेम बनाती हैं जिसके ऊपर बॉडी के दूसरे टिश्यूज, मसल टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है और स्किन है आपका, वो स्केलेटन के ऊपर ही चढ़ी हुई है ना, तो ये जो स्केलेटल ग्रोथ है ये कौन नियंत्रित करता है? ये ग्रोथ हार्मोन नियंत्रित करता है। अगर आपके हड्डियों की ग्रोथ नहीं होगी तो आपके शरीर की लंबाई नहीं बढ़ेगी, आपके हाथ पैरों की मोटाई भी नहीं बढ़ेगी। बचपन में आपके हाथ पैर जितने छोटे छोटे थे, बड़े होकर भी उतने ही छोटे छोटे रहेंगे, है ना। तो ये जो बॉडी की ग्रोथ होती है, एक बच्चा करीबन 50 सेंटीमीटर लंबाई से बढ़ के एकदम 5-6 फुट का बन जाता है ना, तो ये जो ग्रोथ होती है बॉडी की, ये ग्रोथ हार्मोन ही नियंत्रित करता है। यह अधिवर्ध और अस्थि तंत्र के अन्य अस्थि विकास केंद्रों पर वृद्धि दर को भी नियंत्रित करता है। तो एपिफाइसियल एंड्स जो होती हैं, जैसे ये लॉन्ग बोन्स है, लॉन्ग बोन्स की एपिफाइसियल एंड्स होती हैं, यहाँ पे ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है, यहाँ पे ये ग्रोथ हार्मोन एक्शन दिखाता है जिससे कि इस हड्डी की लंबाई ऊपर की ओर और नीचे की ओर भी बढ़ती जाती है। और अस्थियों में और क्या पाया जाता है? अस्थि विकास केंद्र जो ऑसिफिकेशन सेंटर्स होती हैं, जैसा कि हम लोगों ने स्कल बोन पढ़ते वक्त भी पढ़ा था, उसमें ऑसिफिकेशन सेंटर्स होती हैं। कहाँ से ऑसिफिकेशन शुरू होता है और धीरे धीरे पूरी हड्डी में कैल्शियम जमा हो जाता है और ये हार्ड हो जाती है, हड्डियां स्ट्रांग हो जाती है ना, क्योंकि बचपन में सारी हड्डियां ऑलमोस्ट बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, नरम होती हैं, और धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है, हड्डियों में ऑसिफिकेशन पाया जाता है, ऑसिफिकेशन के प्रोसीजर से हड्डियां धीरे धीरे स्ट्रांग बन जाती है, हार्ड बन जाती है, और बड़े होकर इतनी बड़े शरीर को सपोर्ट करने में या उसके फ्रेमवर्क को मेंटेन करके रखने में ये स्ट्रॉन्ग बोन्स ही हेल्प करती हैं। तो ये जो ऑसिफिकेशन की प्रक्रिया है, इसको भी कौन कराता है? इसको यही ग्रोथ हार्मोन ही कराता है। ग्रोथ हार्मोन के स्राव का नियंत्रण हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन या GHRH एवं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन या GHIH नामक दो हार्मोन्स द्वारा होता है। तो इसका मतलब क्या है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइपोथैलेमस सबका रेगुलेटिंग सेंटर होता है। हाइपोथैलेमस से कुछ केमिकल मैसेंजर्स रिलीज होते हैं जो बताते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को कि कौन सा हार्मोन रिलीज करना है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से जब हार्मोन रिलीज होती है, वो दूसरे ग्लैंड को बताती हैं कि आपको अभी कौन सा हार्मोन रिलीज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होगा, हाइपोथैलेमस पहले बताएगा कि आपको ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना है, मतलब जब जरूरत हो तब। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलेगा GHRH। तो ये जो केमिकल मैसेंजर हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होगा सबसे पहले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग मतलब अभी आपको सिक्रेशन करना है, अभी आपको हार्मोन बाहर निकालना है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को या एंटीरियर पिट्यूटरी को बताएगा कि ग्रोथ हार्मोन अभी बाहर निकालना है या शरीर को ग्रोथ हार्मोन की जरूरत है, अभी आपको ये रिलीज करना है।
तब जाके पिट्यूटरी ग्लैंड इस हार्मोन को रिलीज करेगा और जैसे ही शरीर की जरूरत पूरी हो जाएगी या फिर शरीर में पाए जाने वाले टिश्यूज अपने मैक्सिमम ग्रोथ तक पहुंच जाएंगे तब क्या होगा, तब हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन या GHIH नामक हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, पिट्यूटरी तक पहुंचेगा और पिट्यूटरी को बताएगा कि अभी और ग्रोथ हार्मोन की जरूरत नहीं है, इसको इनहिबिट किया जाए या इस सिक्रेशन को बंद किया जाए। इस तरह से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को डायरेक्शन देता है कि ग्रोथ हार्मोन अभी बनाना है या ग्रोथ हार्मोन बनाना बंद करना है। फिर पिट्यूटरी से जब ग्रोथ हार्मोन निकलता है तो वो कहाँ जाता है, वो जाता है लीवर में, और लीवर में ये प्रोसेस होके IGF-1 या इसका फुल फॉर्म क्या है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर लीवर से निकलता है जो जाके शरीर के दूसरे टिश्यूज पे, जैसे ये एडिपोज टिश्यू है, ये आपका मसल टिश्यू है, ये आपकी लॉन्ग बोन्स हैं, तो इन सारे टिश्यूज पे ये IGF या इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एक्शन दिखाता है और इन सारे टिश्यूज की ग्रोथ रेगुलेट होती है। ये सारे टिश्यूज बढ़ने लगते हैं धीरे धीरे, आकार में भी लंबाई में भी ये बढ़ने लगते हैं, इनमें सेल डिवीजन भी बढ़ने लगता है, तो हर प्रकार से इनकी वृद्धि होती है। और जैसे जैसे ये वृद्धि अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाती है उस वक्त ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रेशन होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ग्रोथ हार्मोन बनाने के लिए मना कर देता है कि अभी आपको ग्रोथ हार्मोन बनाना नहीं है, ये प्रोसेस आप बंद कर दो। और जैसे ही ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पिट्यूटरी ग्लैंड से बंद हो जाता है तो लीवर भी IGF बनाना बंद कर देता है और सारे टिश्यूज की जो ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है या फिर वो रुक जाती है एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच के। इसीलिए जब परिपक्वता की अवस्था आती है, जब हम एडल्ट हो जाते हैं, हमारी हाइट बढ़ते 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 एक लेवल पे रुक जाती है, उसके बाद और हाइट किसी की नहीं बढ़ती है, तो ये जो सारा ग्रोथ का प्रोसीजर या वृद्धि का प्रोसीजर है ये हाइपोथैलेमस द्वारा रेगुलेट होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा ये जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन होता है वही पूरे शरीर की वृद्धि के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद देखिए ग्रोथ हार्मोन डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं। मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा बन रहा है तो क्या होगा, अगर जरूरत से कम बन रहा है तो क्या होगा। एक बच्चे में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि उसकी हाइट, उसकी ब्रेथ, वो सब बढ़ने के लिए ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ग्रोथ हार्मोन अगर उस बच्चे को नहीं मिलेगी तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। देखिए ग्रोथ हार्मोन अगर कम हो जाए तो सबसे पहले कौन सा डिसऑर्डर आ जाएगा, ड्वार्फिज्म इसको बोलते हैं। यदि युवा व्यक्ति में इस हार्मोन की कमी होगी तो एपिफाइसियल डिस्क जुड़कर बंद हो जाती है और शरीर का बढ़ना रुक जाता है तथा बौनापन या ड्वार्फिज्म नामक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन सही से ना हो तो लॉन्ग बोन्स की जो एपिफाइसियल एंड्स होती है, यहाँ पे एपिफाइसिस मौजूद होती है लॉन्ग बोन्स के दोनों ओर, जो हमारे हाथों और पैरों में पाई जाती है लॉन्ग बोन्स है ना, तो वहाँ पे एपिफाइसियल एंड्स होती हैं। ये जो एपिफाइसियल एंड या एपिफाइसियल डिस्क इस बोन के एंड्स को कवर करके रखती है, ये इस बोन को ग्रो करने में मदद करती है, इसी के ऊपर ग्रोथ हार्मोन एक्शन दिखाता है और यहाँ से ये बोन बढ़ने लगता है ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी। लेकिन ग्रोथ हार्मोन अगर सिक्रेशन होना बंद हो जाए, इस बोन को मिलना बंद हो जाए तो क्या होगा, ये हड्डी ऊपर और नीचे की ओर नहीं बढ़ेगी, ये जो एपिफाइसियल डिस्क है ये बोन के साथ टोटल जुड़ जाएंगी या फ्यूज हो जाएंगी और यहाँ से ये बोन बढ़ना बंद हो जाएगा। नीचे भी ऐसा ही होगा, एपिफाइसियल एंड्स बंद हो जाएंगी और यहाँ पे भी बोन ग्रोथ रुक जाएगी, तो इससे क्या होगा, बौनापन उत्पन्न हो सकता है। आपने बहुत सारे बौने भी देखे होंगे अपनी लाइफ में, तो ये बौनापन इसी वजह से होता है, अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ना हो रहा हो किसी के शरीर में या फिर बहुत ही कम मात्रा में हो रहा हो तो वहां पे बौनापन, ये जो बीमारी है जिसको ड्वार्फिज्म भी कहा जाता है, ये उत्पन्न हो जाता है। नंबर दो में आता है गाइगेंटिज्म। इसके विपरीत यदि इस हार्मोन का स्राव युवावस्था या एडोलेसेंस की समाप्ति तक घटता नहीं हो तो अतिकायता या गाइगेंटिज्म उत्पन्न हो जाती है
और व्यक्ति 7-8 फीट लंबा हो जाता है। तो अगर ग्रोथ हार्मोन, जैसा मैंने बताया कि जब शरीर की ग्रोथ मैक्सिमम लेवल तक हो जाती है, हम लोग एडल्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं, तो हमारी हाइट बढ़ना रुक जाती है ना, 25-26-27 साल तक हाइट बढ़ती रहती है, उसके बाद ये रुक जाती है। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन तब भी कम नहीं हुआ और वैसे ही बना रहा, तो क्या होगा, हाइट बढ़ती ही जाएगी, ये रुकेगी नहीं, और जो 5-6 फुट का होना चाहिए वो 7-8 फीट लंबा आदमी हो जाएगा। बहुत ही लंबे लंबे आदमी भी आप लोगों ने देखे होंगे, जरूरत से ज्यादा लंबे होते हैं, उनको गाइगेंटिज्म या अतिकायता कही जाती है। यहाँ पे आप लोग फोटो में भी देख सकते हैं, ये बौनापन है, ये नॉर्मल हाइट दिखाई गई है, ये बौनापन है, हाइट बहुत ही ज्यादा छोटी है, 2 फुट की है सिर्फ। यहाँ पे इन महाशय का नाम भी लिखा गया है, पिंग पिंग है इनका नाम, देखिए। तो ये सिर्फ 2 फुट के हैं और इनकी हाइट बहुत ही छोटी है, क्योंकि इनमें ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन नहीं हो रहा था। और ये दूसरे तरफ आप गाइगेंटिज्म की फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है रॉबर्ट वैडलो और इनकी हाइट है 8 फुट 11 इंच, है ना। तो इनमें ग्रोथ हार्मोन बहुत ही ज्यादा सिक्रेशन हो रहा था, जिसकी वजह से इनकी हाइट बढ़ती ही चली गई, इनकी ग्रोथ बढ़ती ही चली गई और इनको अतिकायता या गाइगेंटिज्म हो गया। तीसरा आता है एक्रोमेगाली। सामान्य वृद्धि रुकने के बाद जब ग्रोथ हार्मोन का स्राव अधिक होता है तो एक्रोमेगाली नामक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसमें अस्थियां लंबाई में ना बढ़कर मोटी और खुरदरी हो जाती है। निचला जबड़ा, हाथ एवं पांव विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। तो एक्रोमेगाली वो कंडीशन है जिसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर एज तक ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बराबर मेंटेन होके रहता है और शरीर बढ़ते बढ़ते एक नॉर्मल हाइट तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद अचानक से ग्रोथ हार्मोन का स्राव बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है या अधिक होने लगता है, जिससे क्या होता है, अस्थियां लंबाई में ना बढ़कर मोटाई में बढ़ने लग जाती है, जॉ बोन्स बहुत ही बड़ी बड़ी हो जाती हैं, हाथ और पांव बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रोपोर्शनेटली बॉडी ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन गाइगेंटिज्म में बॉडी ग्रोथ प्रोपोर्शनेटली होता है, हाथ और पैर जितने लंबे होते हैं, शरीर, सर, गला, नाक, मुंह सब उतना ही लंबा होता है। लेकिन एक्रोमेगाली में क्या होता है, शरीर की हाइट जितनी होती है, हाथ पैर और मुंह की हाइट या स्पेशली जॉ बोन की हाइट बहुत ही ज्यादा लंबी होती है। यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये सबसे पहले देखिए ड्वार्फिज्म दिखाया गया है। ड्वार्फिज्म में डिस्प्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म हो सकता है या फिर प्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म हो सकता है। डिस्प्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म में क्या होता है, बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हाथ पैर छोटे छोटे होते हैं, लेकिन बॉडी की जो मिडिल बॉडी होती है, ट्रंक होता है, उसके हाइट और उसका ग्रोथ नॉर्मल रहता है, बाकी हाथ पैर छोटे छोटे रहते हैं, ये डिस्प्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म है। लेकिन प्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म में क्या होता है, बॉडी के सभी ऑर्गन्स और सभी पार्ट्स की हाइट छोटी रहती है, लंबाई छोटी रहती है। इसके बाद सेकंड पिक्चर में आप लोग गाइगेंटिज्म देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो आदमी है उसकी हाइट बहुत लंबी है, उसके हाथ पैर भी उतने ही लंबे लंबे हैं, उसकी गर्दन भी उतनी ही लंबी है, उसका चेहरा भी उतना ही लंबा है, मतलब पूरी बॉडी प्रोपोर्शनेटली लंबी है और लंबाई के अलावा और कोई भी एबनॉर्मलिटी आपको इस इंसान में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे ड्वार्फिज्म भी दिखाया गया है, ये देखिए काफी बौना है, बहुत ही छोटा, ये इतने ऊपर देख रहा है इस गाइगेंटिज्म या अतिकायता वाले इंसान को। देन गाइगेंटिज्म की एक और वेराइटी आती है लोकल गाइगेंटिज्म, जिसमें एक किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे, किसी पर्टिकुलर पार्ट पे ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वही पार्ट लंबा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे फुट में आप ये फिंगर देख सकते हैं, सेकंड फिंगर, ये कितनी लंबी और बड़ी हो गई है ना, तो ये लोकल गाइगेंटिज्म इसको कहा जाता है। देन यहाँ पे आप लोग एक्रोमेगाली की पिक्चर्स देख सकते हैं, ये जो पर्सन है इसकी देखिए जॉ बोन कितनी बड़ी है, ये नीचे का जो पार्ट है या मैंडिबल जिसे कहा जाता है, यहाँ पे स्कल बोन की ये एक्सरे भी निकाली गई है, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं ये मैंडिबल वाला जो हड्डी है या जो बोन है ये कितनी लंबी है, नीचे की ओर प्रोट्रूडेड है या बहुत ही ज्यादा बाहर की ओर निकली हुई है। उसके अलावा एक्रोमेगाली में हाथ और पैर भी काफी बड़े बड़े मोटे मोटे होते हैं, हड्डियां मोटी हो जाती हैं, ये लंबाई में तो बड़ी हुई ही होती हैं, लेकिन इसके अलावा ये और मोटी हो जाती हैं और खुरदरी भी हो जाती हैं, तो जो फिंगर्स होती हैं हाथ और पैर की वो काफी मोटी मोटी दिखाई देती हैं।
और एक्रोमेगाली में पाए जाने वाले साइन एंड सिम्टम्स भी यहाँ पे दिखाए गए हैं इस डायग्राम में। देखिए, थिकनिंग ऑफ स्कल, प्रोट्रूडिंग सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस। तो ये जो सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस होती हैं, ये काफ़ी बाहर की ओर निकली हुई होती हैं। ये जो स्कल बोन होती है, ये बोन्स भी काफ़ी मोटी हो जाती हैं। कोर्सनिंग ऑफ फेस फीचर्स, फेस में जो आंखें हैं, नाक है, इसकी हड्डी भी मोटी मोटी हो जाती है, कान भी मोटे मोटे हो जाते हैं, बड़ा अजीब सा चेहरा हो जाता है। इसके बाद प्रोग्नाथिज्म कॉजिंग गैप बाइट। प्रोग्नाथिज्म क्या होता है? जब मैंडिबल बोन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, उस कंडीशन को हम लोग प्रोग्नाथिज्म बोलते हैं। प्रोग्नाथिज्म, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो दांत होते हैं जो आपके मैंडिबल में ज्वाइन होते हैं, ये जो दांत होते हैं नीचे के, वो भी सामने की ओर चले आते हैं और आप सही से चबा नहीं सकते। ऊपर के दांत फिर नीचे के दांत से आके बराबर नहीं सटेंगे और वहां पे गैप बाइट होने लगेगा, यानी आप खाना नहीं चबा पाओगे। किसी भी चीज को चबाने के लिए ऊपर के जौ के जो भी दांत होते हैं और नीचे के जौ के दांत होते हैं, उनको आपस में साथ में मिलके काम करना पड़ता है, साथ में उनको सेट होके ग्राइंडिंग करनी पड़ती है, उनको कटिंग करना पड़ता है। लेकिन प्रोग्नाथिज्म में क्या होता है, लोअर मैंडिबल काफी आगे की ओर निकली हुई होती है, तो इसमें जो दांत मौजूद होते हैं वो भी सामने की ओर निकले हुए होते हैं, ये ऊपर की दांत से फिर सेट नहीं हो पाते हैं चबाते वक्त, और आप किसी भी चीज को नहीं चबा पाते हो सही से, इसको गैप बाइट बोला जाता है। इसके अलावा कार्डियोमायोपैथी, यानी हार्ट के मसल्स भी काफी मोटे हो जाते हैं, फिर हार्ट की फंक्शनिंग भी कम हो जाती है। इतने मोटे मसल्स फंक्शन करने में, अपना जो दिल की धड़कन बनाए रखने में सक्षम नहीं हो पाते हैं सही से। डायबिटीज मेलिटस भी हो सकता है पैंक्रियाटिक टिश्यू के डिसफंक्शन की वजह से। इसके अलावा स्केलेटल मसल्स जो होती हैं, जो बोन के ऊपर मसल्स जुड़ी हुई होती हैं, ये मसल्स भी धीरे धीरे बहुत ज्यादा मोटी होने लगती हैं और मोटाई की वजह से ये वीक भी हो जाती हैं। इसके अलावा जो हील्स होती है, यहाँ पे जो कैल्केनियस बोन होती है, वो भी काफी मोटी हो जाती है, और ये जो हील पैड या हमारे एड़ियों के नीचे एक मोटी सी गद्दी जैसी लगती है, अजीब सा लगता है, चलते वक्त ऐसा लगता है कि पैर के नीचे, एड़ी के नीचे कुछ एक्स्ट्रा चीज मौजूद है। हाथ और पैर के मसल्स और बोन्स भी काफी मोटे हो जाते हैं, तो हाथ और पैर चौड़े चौड़े हो जाते हैं। आपने कोई अंगूठी पहनी हो अगर हाथ में, तो वो धीरे धीरे वो अंगूठी काफी टाइट हो जाएगी, वो आपको लगेगी नहीं। इसके अलावा बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आपका स्टोमक है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, ये भी काफी मोटे मोटे हो जाते हैं, ये भी आकार में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ग्रोथ हार्मोन के ओवर सिक्रेशन की वजह से भी शरीर में मौजूद दूसरे जो ग्लैंड्स हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड है, उसका भी आकार बहुत बढ़ जाता है। जब थायराइड ग्लैंड का आकार बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग गॉयटर कहते हैं। ये हम लोग थायराइड ग्लैंड में भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखिए कि ग्रोथ हार्मोन अगर बढ़ जाए तो उसकी वजह से भी थायराइड ग्लैंड की वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाती है और गॉयटर का कंडीशन उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा हेडेक हो सकता है, सर में दर्द होना, डबल डबल दिखना, आंखों के मसल्स पे अगर अफेक्ट हो तो डिक्लोपिया हो सकता है, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, आंखों की रोशनी कम हो सकती है, जा भी सकती है, और लेथर्जी, हमेशा थकावट सी महसूस होना, क्योंकि शरीर में बहुत सारा मसल मास, बोन मास, सब कुछ बढ़ जाता है जरूरत से ज्यादा, लेकिन उतनी एनर्जी हमारे शरीर में नहीं हो पाती है कि वो सारे बोन्स या मसल सही से काम कर पाए, तो उस वजह से क्या होता है, शरीर में थकावट सी बनने लगती है। तो एक्रोमेगाली जो कंडीशन है, जिसमें ग्रोथ हार्मोन एक पर्टिकुलर एज के बाद बहुत ज्यादा सिक्रेशन होने लगता है, तो उसमें ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। वैसे ही ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से या बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है, और वहां पे फिर जो रिप्रोडक्शन की प्रोसीजर होती है उसमें भी डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो आज हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन, उसकी एनाटोमी के बारे में पढ़ा, उसमें से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेशन होते हैं ये भी पढ़ा। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन में सबसे पहले जो आता है वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के बारे में भी हमने थोड़ी सी जानकारी ली। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेशन होने वाले दूसरे हार्मोन्स को भी अच्छे से जानेंगे, वो शरीर में क्या फंक्शन करते हैं, उनके कम होने से या फिर उनके बढ़ने से शरीर में कौन कौन सी बीमारियां देखी जाती हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और
बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी आगे की क्लासेस अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।